सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। अगर आप कोई सामान इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरी कंट्री से, या फॉर एग्जाम्पल आप कोई सामान इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर, तो आपके लिए इनको टर्म्स के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इनको टर्म्स स्टैंडर्ड टर्म्स होती हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। इनको टर्म्स के हिसाब से यह डिफाइन किया जाता है कि सेलर के लिए एग्जैक्टली डिलीवरी पॉइंट क्या होगा, जहां से बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं हर टर्म के अंदर बायर की और सेलर की, यह डिफाइन किया जाता है इनको टर्म्स में। अब FAS भी ऐसी ही एक इनको टर्म है, जिसकी फुल फॉर्म होती है फ्री अलोंगसाइड शिप। अब फ्री अलोंगसाइड शिप के अंदर एग्जैक्टली बायर और सेलर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, किस पॉइंट पे सेलर हैंडओवर करता है कार्गो बायर को या उसके कैरियर को, और क्या एग्जैक्टली डिलीवरी पॉइंट होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है दोनों केसेस में, ये जानेंगे हम थोड़ा सा डिटेल में इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिए, चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं FAS के बारे में। FAS की फुल फॉर्म होती है फ्री अलोंगसाइड शिप, ब्रैकेट में पोर्ट इसलिए लिखा गया है, तो जिस भी पोर्ट से ये एक्सपोर्ट हो रहा है कोई भी कार्गो, तो उधर का नाम लिखा जाता है। दैट मींस कि उस पॉइंट तक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी उस कार्गो को ट्रांसफर करने की। अब ये जो फ्री अलोंगसाइड शिप है, ये एक इनको टर्म है। इनको टर्म की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म। तो ये जो इनको टर्म्स होती हैं, ये टोटल 11 ऐसी टर्म्स हैं जो अलग अलग डिलीवरी पॉइंट डिफाइन करती हैं। ये इंटरनेशनल चेंबर, ICC में लिख देता हूं, इंटरनेशनल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने ये इनको टर्म्स डिफाइन की हुई हैं। इनकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है। अब हम FAS के बारे में, जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम FAS के बारे में यहाँ पे डिटेल में जान रहे हैं। मैंने सारे के सारे वीडियोज बनाए हैं दूसरे इनको टर्म्स के बारे में भी, तो आप वाले मेरे वीडियोज देख सकते हैं। तो अब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि ये किस तरीके से काम करता है, मान लीजिए कोई एक बायर है जिसकी शंघाई में फैक्ट्री है, एक स्टील फैक्ट्री है मान लेते हैं, और उसको आयरन ओर एक्सपोर्ट करना है लेट्स से उड़ीसा से। वो उड़ीसा से खरीद रहा है, उड़ीसा जो इंडिया में है वहां पे कोई आयरन ओर माइन है, वहां से वो इम्पोर्ट कर रहा है कार्गो और वो अपनी कंट्री में चाइना में लेके जा रहा है। तो उसको एक पूरी की पूरी चेन ट्रैवल करनी होगी ट्रांसपोर्टेशन की, और उसके सेलर के और बायर के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, कोई रिस्क होंगे। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क होते हैं ट्रांसफर, वो एक डिलीवरी पॉइंट पे होते हैं किसी भी इनको टर्म के हिसाब से। तो अब क्या होता है, उस जो भी एक डिलीवरी पॉइंट डिसाइड होगा कि सेलर बोलेगा कि मैं यहां तक आपको लोड करके और ट्रांसपोर्ट करके इस पॉइंट पे आपको दे दूंगा, तो वहां तक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की हो जाएगी और उसकी कॉस्ट भी वो बियर करेगा और रिस्क भी उसका होगा। अगर कोई डैमेज होती है कार्गो में तो वो उसी को बियर करना होगा। तो ये जो डिलीवरी पॉइंट है, यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट और रिस्क ट्रांसफर हो जाती है सेलर से बायर की तरफ। तो ये जो डिलीवरी पॉइंट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इनको टर्म में। तो अब फ्री अलोंगसाइड शिप में अब हम ये देखेंगे कि एग्जैक्ट डिलीवरी पॉइंट क्या होगा सेलर का, उसके बाद बायर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सबसे पहले क्या करेगा सेलर, उस कार्गो को लोड करेगा। मान लीजिए ये एक आयरन ओर यार्ड है जहां से वो कार्गो को लोड करता है, तो वेयरहाउस सर्विसेज या यार्ड हैंडलिंग सर्विसेज जो है वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद लोडिंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जो मान लीजिए इस एग्जांपल में उड़ीसा से लेके अगर विशाखापट्टनम पोर्ट जहां से ये एक्सपोर्ट होना है वहां तक का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो भी उसी को खर्चा उठाना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उसके बाद सेलर की ड्यूटी है कि वो कस्टम्स भी क्लियर कराएगा और फ्रेट फॉरवर्डर की भी फीस देगा जो उसका लॉजिस्टिक्स हैंडल कर रहा है। उसके बाद उसको टर्मिनल चार्जेस पे करने होंगे विशाखापट्टनम पे, जो भी उसके पोर्ट चार्जेस लगेंगे वो पे करेगा। उसके बाद वो लोडिंग नहीं करेगा, वो यहां पे टर्मिनल पे लाके छोड़ देगा। तो जहां पे भी वो जहाज खड़ा हुआ है, मान लीजिए ये एक बर्थ है, तो इसके साइड में लाके छोड़ देगा, यहां तक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यहां से लोडिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कार्गो यहां तक आ गया तो ये जो लोडिंग की पॉइंट है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं यहां से लेके यहां तक ये सारी सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके बाद लोडिंग ऑनवर्ड्स ये सारी की सारी यहां से बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो अब ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बायर क्या करेगा, वहां से कार्गो कलेक्ट करेगा उस बर्थ से और लोड करेगा अपने शिप पे। उसके बाद वो ट्रैवल करेगा, वो डेस्टिनेशन पोर्ट पे पहुंचेगा। डेस्टिनेशन पोर्ट मान लीजिए शंघाई पोर्ट है, तो उसको ओशियन फ्रेट भी देना होगा।
अब ये ओशन फ्रेट क्या है, ओशन फ्रेट जो भी उसका खर्चा आएगा समुद्र के जरिए जो भी आ रहा है, शिपिंग चार्जेस जो होंगे वो उसको बियर करने पड़ेंगे, साथ ही में बायर को इंश्योरेंस भी बियर करनी पड़ेगी जो भी इंश्योरेंस का खर्चा आएगा, क्योंकि अब रिस्क जो है यहां से इस पोर्ट से लेके अब बायर का रिस्क हो गया है, तो जो भी इंश्योरेंस होगी ओशन की वो भी उसी को बियर करनी होगी, साथ ही साथ अनलोडिंग उसको करानी होगी, और जो भी पोर्ट पे शंघाई पोर्ट पे ट्रक में अगर लोडिंग होती है उसकी या रेल में लोडिंग होती है वो भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। उसके बाद कस्टम्स उसको क्लियर करने होंगे, इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस देने होंगे, और जो ट्रांसपोर्टेशन होगा डेस्टिनेशन तक, मान लीजिए जहां पे भी उसकी फैक्ट्री है पोर्ट से लेके ट्रांसपोर्टेशन जो होगा उसकी फैक्ट्री तक वो भी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो अगर हम एक हाइलाइट्स देखें फ्री अलोंग साइड शिप की, तो इस केस में क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये जो FAS है ये खाली सी और इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट में ही एप्लीकेबल होता है। अब ये रोड ट्रांसपोर्ट है या एयर ट्रांसपोर्ट है वहां से वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होती है टर्म। उसके बाद ये जो FSA टर्म है ये खाली तब यूज करनी चाहिए जब कोई बल्क कार्गो हो रहा है। अब इसमें आप ध्यान देने वाली बात आपके लिए ये है कि अगर मान लीजिए कोई सेलर है वो आयरन ओर अगर लोड कर रहा है यहां पे, तो आयरन ओर लोड करना डायरेक्ट शिप में आसान है अगर वो टर्मिनल पे डिलीवरी कर रहा है उसकी। लेकिन अगर कोई कंटेनराइज कार्गो है तो कंटेनर वो अगर मान लीजिए उसका मान लीजिए कोई लेट से गारमेंट्स वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो गारमेंट्स जो है वो कंटेनर टर्मिनल पे लोड नहीं होता है। तो उस केस के अंदर एक बेटर टर्म होती है जो फ्री कैरियर, हमने पहले भी बात की थी, एक लास्ट वीडियो मैंने बनाया था वो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो कंटेनराइज कार्गो के अंदर फ्री कैरियर टर्म यूज करनी चाहिए, क्योंकि फ्री कैरियर क्या होगा, वो यहां पे मान लीजिए कोई वेयर हाउस है, ये लेट से फ्रेट फॉरवर्डर का वेयर हाउस है या जो भी कैरियर है जो भी आपका लॉजिस्टिक्स हैंडल कर रहा है, तो सेलर वहां पे अपना कार्गो भेज सकता है जो कंटेनर में लोड हो सकता है, लेकिन बर्थ के ऊपर लोड नहीं हो सकता है। टाइम बहुत कम होता है, शिप बहुत कम देर के लिए खड़ा होता है, चार्जेस बहुत हाई होते हैं, तो इसीलिए कंटेनराइज कार्गो के अंदर फ्री अलोंग साइड शिप जनरली यूज नहीं होती है और करनी भी नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है कि सेलर जो होता है वो गुड्स डिलीवर करता है, वो एक तो एक्सपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करता है, उसके बाद वो साइड में वेसल के साइड में जो भी बर्थ है वहां पे डिलीवर कर देता है, लेकिन लोडिंग चार्जेस जो है वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होते हैं। इसीलिए मैंने यहां पे ये ब्रेक लगाया है, यहां तक ही सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोडिंग चार्जेस से लेके आगे तक सब बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि FAS की टर्म्स एंड कंडीशन कैसे लिखी जाती है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो इस तरीके से लिखा जाएगा 50,000 टन्स आयरन ओर FAS टर्मिनल ABC ऑफ विशाखापट्टनम पोर्ट चाइना, सॉरी यहां पे चाइना नहीं आएगा, इसको काट के मैं इंडिया कर देता हूं, तो ये विशाखापट्टनम पोर्ट इंडिया का है, तो यहां पे इस तरीके से लिखा जाएगा कि आयरन ओर FAS मतलब फ्री अलोंग साइड शिप बेसिस पे टर्मिनल ABC कोई भी विशाखापट्टनम पोर्ट का जो भी एक टर्मिनल है उसका दे दिया जाएगा यहां पे, और वहां से उसके बाद बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, जो भी ये स्टील फैक्ट्री का ओनर है उसको उसके बाद चार्जेस वहां से बेयर करने होंगे, और इससे पहले की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट और रिस्क सेलर का हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये जो सारी की सारी कॉस्ट आती है ये सेलर बायर से ही चार्ज करेगा, बट क्या है कि वो बिल्ट इन हो जाती है कॉस्ट, जब भी वो 50,000 टन का लेट से आयरन ओर बायर को बेच रहा है तो वो सारी की सारी कॉस्ट इसके अंदर बिल्ट इन हो जाएगी। तो जैसा हमने पहले बात की थी, बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स एंड रिस्क फ्रॉम विशाखापट्टनम पोर्ट टर्मिनल इंक्लूडिंग लोडिंग ऑफ गुड्स, तो ये जो लोडिंग होगी विशाखापट्टनम पोर्ट पे ये भी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन सेलर को जो है वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी होगी, सारी की सारी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन जो होगी वो उसी को प्रोवाइड करनी होगी, जिसके अंदर आपकी कमर्शियल इनवॉइस आ जाती है, पैकिंग लिस्ट आ जाती है, वुड पैकेजिंग सर्टिफिकेट हो जाता है, वुड पैकेजिंग सर्टिफिकेट इस केस के अंदर नहीं होगा क्योंकि ये आयरन ओर है, ट्रक बिल ऑफ लेडिंग हो जाता है एज अ रसीट, अगर मान लीजिए ट्रक से ये सारा का सारा कार्गो यहां तक आया है तो वो एक रसीद की तरह हैंड ओवर हो जाता है बायर को या कैरियर को, तो बायर नहीं होगा यहां पे प्रेजेंट, तो यहां पे कैरियर होगा जो भी उसकी शिपिंग हैंडल कर रहा है, उस कैरियर को वो ट्रांसफर हो जाएगा ट्रक बिल ऑफ लेडिंग। तो ये तो सारी बातें हो गई फ्री अलोंग साइड शिप की, लेकिन अब ये जो टर्म है ये इतनी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ये जो लोडिंग चार्जेस है ये जनरली बायर यहां पे बियर कर रहा है, तो इससे ज्यादा प्रैक्टिकल टर्म एक होती है जिसे हम कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड, वो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, तो आप मेरा FOB वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो FOB के अंदर क्या होता है, जो लोडिंग चार्जेस होते हैं ये भी सेलर ही बियर करता है, और साथ में FOB के अंदर क्या क्या होता है वो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आप मेरा नेक्स्ट वीडियो FOB के ऊपर जरूर देख सकते हैं।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस भी दे सकते हैं, या अगर आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कोई अगर फ्यूचर वीडियोस के लिए टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फोन में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज इसी तरह के फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।